ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार क्यों आते हैं, इसे आज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों संपूर्ण और प्रभावी व्यक्तित्व की जब भी बात होती है तो जेहन में एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की छवि आती है, यानी केवल शरीर के सुडौल और स्वस्थ होने की स्थिति ही व्यक्तित्व को बयां नहीं करती है, बल्कि आपका स्वभाव और व्यवहार भी इसमें शामिल होता है। मन में आने वाले विचारों की प्रकृति ही तय करती है फ्रेंड्स कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी इंसान है। दिमाग में आने वाले विचार दो तरह के होते हैं, सकारात्मक विचार जो आपको आनंद और ऊर्जा से भर देते हैं और नकारात्मक विचार जो आपको निराशा और तनाव के समुन्दर में डुबो देते हैं। दोस्तों अनेक प्रयासों के बाद भी आप अपने दिमाग में आने वाले इन विपरीत विचारों को रोकने में सफल नहीं हो पाते हैं और इसके चलते आपकी निराशा और तनाव और भी ज्यादा गहरे होते जाते हैं। दोस्तों रिसर्च यह बतलाते हैं कि रोजाना हमारे दिमाग में आने वाले विचारों की संख्या करीब 60,000 तक होती है और इनमें से 70-80% नकारात्मक विचार ही होते हैं जो हमारे जीवन को विपरीत तरीके से प्रभावित करते हैं और हम इनसे अनजान अपने जीवन की मुश्किलों का जिम्मेदार भाग्य को मान लेते हैं, जबकि इसके लिए जिम्मेदार तो हमारे दिमाग ही हैं और अपने दिमाग के विचारों को संयमित करना हमारे अपने हाथ में ही है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर दिमाग में ये नकारात्मक विचार आते ही क्यों हैं और इतने प्रयासों के बाद भी इनका आना थमता क्यों नहीं है। चलिए बतलाते हैं आपको कि दिमाग में ये नकारात्मक विचार क्यों आते हैं। दोस्तों हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आने के कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम आपको विस्तार से बतलाते हैं। पहला पॉइंट्स है बीते कल का अफसोस। दोस्तों बीते समय में कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिन पर आपको आज भी अफसोस है। ऐसे में जब भी उन बुरे अनुभवों जैसी स्थिति आपको वर्तमान में दिखाई देता है तो आप भूल जाते हैं कि वो समय बीत चुका है और उससे जुड़ा पछतावा आपको निराश और बेचैन बना देता है। इसलिए उस एक ख्याल से जुड़े ढेरों नकारात्मक विचार आपके दिमाग पर हमला कर देते हैं जिन्हें काबू करना आपके बस में नहीं रहता, क्योंकि उस समय ग्लानी के कारण आप काफी कमजोर महसूस कर रहे होते हैं। इससे छुटकारा पाने का यही सही तरीका है कि आप अपनी बीती गलतियों को ना दोहराने का वादा खुद से करें और अपनी उन भूलों से सीख लेकर आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करें। दूसरा पॉइंट है दोस्तों वर्तमान की चिंता। दोस्तों इसे इंसानी प्रवृत्ति कहा जाए या ज्यादा विवेक होने का नुकसान, अन्य जीवों की तुलना में इंसानों में ज्यादा विवेक होता है और सोचने समझने की शक्ति भी अधिक होती है जिसका फायदा हर इंसान अपने हर कदम पर उठाता भी है, लेकिन यही विवेकशीलता उसकी राह का रोड़ा बन जाती है जब वो समान स्थिति को भी गहराई से सोचता चला जाता है जबकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। सामान्य सी परिस्थितियों को भी बार बार चिंतन मनन करके जांचने की ये इंसानी प्रवृत्ति शांत दिमाग में नकारात्मक विचारों को प्रवेश करवाती है और फिर नकारात्मक विचार की ये श्रृंखला रुकने का नाम ही नहीं लेती और व्यक्ति का खुशनुमा वर्तमान भी इन विपरीत विचारों के चंगुल में फंस जाता है। तीसरा पॉइंट से दोस्तों आने वाला कल कैसा होगा। दोस्तों वर्तमान में जीने के बजाय भविष्य के ख्यालों में खोए रहना भी डर पैदा करता है, उन चीजों और हालातों का डर जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते और चाहकर भी आप नहीं जान सकते। दोस्तों आने वाले कल के लिए थोड़ा विचार करना उचित है, लेकिन उसके लिए सोच सोच कर डरना निगेटिव विचारों को खुला निमंत्रण देने जैसा है, क्योंकि स्वयं डर की प्राकृतिक नकारात्मक ही तो है। चौथा पॉइंट है दोस्तों नकारात्मक माहौल में रहना। दोस्तों जैसा माहौल आप खुद को देंगे वैसे ही विचार आपके दिमाग में चलते रहेंगे जो आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करेंगे। जब आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ कमियां निकालना जानते हैं, हर बात के नकारात्मक पहलू पर ही जोर देते हैं, आपको प्रेरित करने के बजाय आपका मनोबल कमजोर बनाते हैं, तो ऐसे लोगों और ऐसे माहौल के बीच रहकर सकारात्मकता की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। इसलिए अपने दिमाग में आने वाले अनगिनत विपरीत विचारों के लिए अपने दिमाग को कोसने के बजाय आप अपना माहौल बदलिए और ऐसी संगत चुनिए जो हर स्थिति में आपको सकारात्मक पक्ष दिखाए और आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा आप में भरते रहे। पांचवी पॉइंट है दोस्तों असफलता से बार बार सामना होना। दोस्तों आप भले ही अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हो लेकिन फिर भी आपको असफलता का ही सामना करना पड़ा है, वो भी कई बार। ऐसे में थककर निराश हो जाना स्वाभाविक है और निराशा की
स्थिति में नकारात्मक विचारों का आपके दिमाग में दौड़ना भी एकदम सामान्य सी बात है। इस निराशा के दौर में लंबे समय तक रहने की बजाय आपको जरूरत है फिर से खड़े होने की और नए सिरे से प्रयास करने की, इस बार अपनी कमियों को सुधार कर फिर से जुट जाने की, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रयास ही सफल होते हैं। शुरुआत में सकारात्मक बने रहने में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, जिसे आसान करने के लिए आप कुछ ऐसे बाहरी साधन अपने पास रखिए जो आपको पॉजिटिविटी से भर सके। चाहे वो आपके ऐसे दोस्त हों जो आपकी काबिलियत पर यकीन रखते हों, या फिर प्रेरणा से भरे लेख और वीडियो। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, आत्मविश्वास का डगमगाना। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि कोई कार्य करना आपको आता है और आप इसे कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही उस काम से जुड़ी छोटी मोटी मुश्किलों से आपका सामना होने लगता है तो आप डर जाते हैं और आपका आत्मविश्वास हिलने लगता है। तब आप पलायन की नीति अपना लेते हैं, यानी उस काम को छोड़कर भाग जाते हैं। इस पूरे हालात में आप अपने अंदर कुंठा, तनाव, हताशा, हीन भावना जैसे घातक विचारों का अनुभव करते हैं, जो आपको कई बार अवसाद का शिकार भी बना देते हैं। अगला पॉइंट से फ्रेंड्स, खुद के वास्तविक स्वरूप को नकारना। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो परफेक्ट ही दिखे, चाहे लुक्स हो, करियर हो या कंप्लीट पर्सनालिटी। हम जहाँ जाएं वहाँ सिर्फ हमारी प्रशंसा ही हो, लेकिन ऐसा होना तो संभव नहीं है और ना ही ये संभव है कि हर व्यक्ति परफेक्ट हो। ऐसे में जब हमें अपने लुक्स, स्वभाव या व्यक्तित्व के बारे में बाहरी दुनिया से वास्तविकता का पता चलता है तो इसे स्वीकारना आसान नहीं होता और इससे पैदा होने वाली हीन भावना हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। इससे बेहतर तो यही होगा ना फ्रेंड्स कि हम अपने आप को अपने वास्तविक स्वरूप में स्वीकार कर लें और फिर अपने अच्छे व्यवहार से दुनिया को प्रभावित करें। अगला पॉइंट से फ्रेंड्स, समय की परिवर्तनशीलता को अस्वीकारना। दोस्तों, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। अच्छा और बुरा समय हर व्यक्ति का आता है, लेकिन कई बार हम ये आस लगा लेते हैं कि अच्छा समय ही हमेशा बना रहे, बुरा समय कभी आए ही नहीं। ऐसी सोच के चलते बुरे समय में संतुलन बना पाना संभव नहीं हो पाता और ललखड़ाने की इस स्थिति में नकारात्मक विचारों से हमारी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती जाती है। बेहतर ये होगा फ्रेंड्स कि समय के इस बदलाव को सहज स्वीकारा जाए, ताकि अच्छे समय का सदुपयोग हो सके और बुरे समय को संयम के साथ आशावादी रहते हुए गुजारा जा सके। फ्रेंड्स, ये हमारे अपने नजरिए का ही परिणाम है कि हमें निगेटिविटी का ज्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम खुद नकारात्मकता को ज्यादा महत्व देते हैं बजाय वास्तविक और सकारात्मक विचारों के। इतना सब जान लेने के बाद अब आपके लिए सिर्फ ये जानना आवश्यक है कि आपके हालात और आपकी खुशी आपके अपने हाथ में है। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही पाएंगे, क्योंकि आप दिमाग के मालिक हैं, दिमाग आपका मालिक नहीं। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, इसी पल से अपनी वास्तविकता को स्वीकारिए और अपने दिमाग में आने वाले नकारात्मक विचारों को रोकने की बजाय इसे सकारात्मक विचारों से भरते जाइए। फिर देखिएगा फ्रेंड्स, आपका व्यक्तित्व दुनिया को सकारात्मक रूप में ही प्रभावित करेगा। दोस्तों, हम अपने आगे आने वाले वीडियो में आपको बतलाएंगे कि कैसे पाएं नकारात्मक सोच से छुटकारा। अगर आप चाहते हैं कि हम ये वीडियो जल्द से जल्द बनाएं तो आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका कमेंट हमें अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें पता चलता है कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।